नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भारत संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। तो क्योंकि यह अनुसूची भारतीय संविधान की है, इसलिए इस अनुसूची के प्रथम में किसका उल्लेख होगा? भारत का। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग नोट्स भी बनाते हैं तो सबसे पहले नोट्स के पहले पन्ने पे किसका नाम लिखते हैं? खुद का, क्योंकि वह नोट्स हमारी होती है। तो ठीक उसी प्रकार, क्योंकि यह अनुसूची भारतीय संविधान की है, तो इसलिए इस अनुसूची के प्रथम में किसका वर्णन होगा? भारत का। और भारत किससे मिलके बना है? संघ एवं राज्यों से। तो भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम में भारत संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 2 की। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। तो जैसे कि मैंने कहा भारतीय संविधान की अनुसूची 2, तो 2 ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मांग रहे हों। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत बनेगा तो उसको चलाने के लिए कुछ पदाधिकारी भी रखे जाएंगे, और वह कुछ ना कुछ मांगेंगे। अगर वह काम करेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो 2, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 2, तो क्या मांगेंगे? वह पैसे मांगेंगे। और जो पैसे हैं वह किस तरीके से दिए जा सकते हैं? या तो वेतन के रूप में, या कि भत्ते के रूप में, या कि पेंशन के रूप में। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में किसका वर्णन है? पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख। फिर बात आती है अनुसूची 3 की। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो शपथ में कितने शब्द हैं? 3, सा, पा और था। तो अगर कोई भी व्यक्ति शपथ भी लेता है तो वह कितने बार लेता है? 3 बार। प्रतिज्ञा भी करता है तो 3 बार प्रतिज्ञा करता है। तो ठीक शपथ में भी 3 शब्द हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में किसका उल्लेख है? पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप का। अब बात आती है भारतीय संविधान की अनुसूची 4 की। तो 4 को पढ़ने में एक शब्द आ रहा है चेयर, चेयर यानी कुर्सी। और भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में स्थानों यानी सीट के आवंटन का उल्लेख है, या ये कहें कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। तो जो सीट करते हैं यानी जो बैठते हैं, तो किस में बैठते हैं? चेयर में। तो चेयर से हो गया 4 और सीट से हो गया स्थानों के आवंटन का उल्लेख। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में किसका वर्णन है? स्थानों यानी सीट के आवंटन का उल्लेख, या ये कहें कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। अब आता है भारतीय संविधान की अनुसूची 5, जिस पे उल्लेख है प्रशासन के बारे में। और ठीक उसी तरह भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में भी प्रशासन का ही उल्लेख है। तो यदि कोई भी व्यक्ति तोतला हो और उसको प्रशासन पढ़ने को बोला जाए, तो वो प्रशासन कैसे पढ़ेगा? पचाक्षण। कैसे पढ़ेगा? पचाक्षण। तो पचाक्षण में 5 और क्षण यानी 6। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में किसका वर्णन है? प्रशासन का। 5 में अनुसूचित राज्य एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन है, और 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन की बात हो रही है। इसको याद करने की ट्रिक है बिना मनी वाला ATM। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया मेघालय, और एम से हो गया मिजोरम। क्योंकि मैंने कहा बिना मनी वाला यानी मणिपुर नहीं आएगा एम से। एम से कौन सा आएगा? मेघालय और मिजोरम। तो इस तरह से हो गया भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किसका उल्लेख है? बिना मनी वाला ATM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के लिए उल्लेख है। अब बात आती है भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की, जिस पर वर्णन है संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का। तो 7 को पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे 7 हो, और संघ का मतलब भी होता है साथ में चलना। तो 7 से हो गया 7 और संघ से हो गया संघ सूची। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में किसका वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची 8, जिसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज में होते हैं 8 अक्षर LANGUAGE। तो
भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किसका उल्लेख हो गया? लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज में 8 अक्षर हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में भारत की 22 लैंग्वेज का उल्लेख है। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची 9, जिसमें संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण का उल्लेख है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार उससे छीनने को बोला जाए तो वह कभी भी अपने अधिकार नहीं देगा, वह कभी भी अपने अधिकार नहीं देगा। नहीं से हो गया नो, नो फॉर नाउ, और संपत्ति का अधिकार नहीं देगा तो संपत्ति के अधिकार से हो गया संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में किसका उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण का। अब बात आती है भारतीय संविधान की अनुसूची 10 की, जिसमें दल बदल का प्रावधान है। तो अगर आप 10 और दल दोनों को पढ़ें तो दोनों देखने में सेम ही लग रहे हैं। 10 में भी द और स यानी दो अक्षर होते हैं, और दल में भी द और ल दो अक्षर हैं। तो 10 और दल दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में किसका उल्लेख है? दल बदल के प्रावधान का। मुझे विश्वास है आपको कभी भी नहीं भूलेगा, जब भी ऑप्शन में आएगा तो आप हमेशा अनुसूची 10 पे ही टिक लगाओगे। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची 11, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। तो 11 में एक शब्द छुपा हुआ है गेयर, और पहले की जो गाड़ियाँ थी उनमें 4 गेयर होते थे, लेकिन इन टाइम पे जो मोटर गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें 5 गेयर भी होते हैं। तो 5 से हो गया पंचायती राज और गेयर से हो गया 11। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में किसका उल्लेख है? 5 से पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। लास्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची 12, जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख है। तो 12 में एक शब्द छुपा हुआ है बाहर, और शहरी में शहर। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर कमाने जाता है तो कभी भी किसी गांव में कमाने नहीं जाता, वह हमेशा शहर में ही कमाने जाता है। तो शहर से हो गया शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख, और बाहर से हो गया 12। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में किसका उल्लेख है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख है। तो इस तरह से अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।